वेलकम टू रेडिशन रूट ऑनलाइन क्लासेस बाय रेडिशन द स्कूल जेवर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पारुल यादव, टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, रेडिशन द स्कूल। स्टूडेंट, अभी हमने पार्ट वन भाषा और व्याकरण इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। फिर है सेकेंड चैप्टर वर्ण विचार, हमने इस चैप्टर का भी अभी रिवीजन किया है। तो चलिए अब हम अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पार्ट 15 पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। पर्यायवाची और विलोम शब्द कल आप लोगों ने अपनी नोटबुक में किए हैं, अब हम इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से समान अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, वारी, सलिल। जिन शब्दों से समान अर्थ प्रकट होते हैं, जिन शब्दों के समान अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे यहाँ पे जल, जल, नीर, वारी, सलिल, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, इनका अर्थ एक है। शब्द अलग अलग लिखे हों लेकिन इनका अर्थ एक है। तो चलिए हम नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आकाश। फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट? आकाश। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, आसमान। नभ, गगन, अंबर, आसमान। फिर हमारा सेकंड है आग। सेकंड कौन सा है? आग। अग्नि, पावक, अनल, दहन। अग्नि, पावक, अनल, दहन। थर्ड हमारा है आँख। कौन सा है बेटा? एक बार आप भी बोलिए, आँख। नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु। नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु। फिर हमारा है ईश्वर। ईश्वर, ईश, परमात्मा, प्रभु, भगवान। ईश, परमात्मा, प्रभु, भगवान। फिर उसके नेक्स्ट है हमारा कमल। कमल क्या होता है? एक फूल होता है, उसके पर्यायवाची हम पढ़ते हैं। राजीव, पंकज, नीरज, अंबुज। राजीव, पंकज, नीरज, अंबुज, ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो मेरे साथ एक बार दोबारा से बोलिए आप लोग भी, राजीव, पंकज, नीरज, अंबुज। फिर है गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक नदी होती है। फिर उसके पर्यायवाची हैं देव नदी, सुरसरी, तिरपतगा, जानवी। गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? एक बार मेरे साथ बोलिए, देव नदी, सुरसरी, तिरपतगा, जानवी। फिर आता है चांद। चांद कब निकलता है? चांद रात में निकलता है, इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? चंद्र, राशि, राकेश, चंद्रमा। चंदा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं बेटा? चंद्र, राशि, राकेश, चंद्रमा। फिर है फूल। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, प्रसुन, कुसुम। फूल के पर्यायवाची आप दोबारा से बोलिए, पुष्प, सुमन, प्रसुन, कुसुम। फिर है धरती। धरती के पर्यायवाची क्या है? धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि। धरती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि। बादल, नीरद, जलद, जलधर, घन। एक बार आप मेरे साथ बादल के पर्यायवाची भी रिवाइज करिए, नीरद, बेटा तेज़ आवाज़ में बोलिए, जलद, जलधर और घन। फिर है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची है रवि, सूरज, भानु, दिनेश। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं सूर्य के, रवि,
सूरज, भानु, दिनेश। फिर है वायु। वायु के पर्यायवाची अनिल, समीर, पवन, हवा। अनिल, समीर, पवन, हवा। रात्र के, रात के, रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं मेरे साथ बोलिए। रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी। एक बार तेज बोलिए, रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी। ये किसके पर्यायवाची थे? रात के। रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी। मनुष्य, आदमी, मानव, व्यक्ति। मनुष्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? आदमी, मानव, व्यक्ति। ये पर्यायवाची मनुष्य के हैं, आदमी, मानव, व्यक्ति। अब इससे आगे है नदी। नदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सरिता, तरंगिणी, तटिनी, सरी। नदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं मेरे साथ बोलिए एक बार। सरिता, तरंगिणी, तटिनी, सरी। माता। अब माता के पर्यायवाची बोलिए। अम्बा, जननी, माँ, अंबिका। चलिए एक बार मेरे साथ माता के पर्यायवाची बोलिए। अम्बा, जननी, माँ, अंबिका। ये आप लोगों के पर्यायवाची शब्द हैं। अभी इसमें है पर्वत। ये आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, अब हम इसके पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पहाड़। अब हम पहाड़ के, पहला है पर्वत, गिरी, भूधर। पहाड़ के क्या क्या पर्यायवाची हैं स्टूडेंट? पर्वत, गिरी, भूधर। अब इससे नेक्स्ट है वृक्ष, वृक्ष। ये वाली मात्रा री की होती है, तो इसको हम क्या साउंड करेंगे? वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पेड़, तरु, पादप। वृक्ष के पेड़, तरु, पादप। ये किसके पर्यायवाची है? ये वृक्ष के। अब यहाँ पे है हाथी। ये किसकी पिक्चर है? ये है एक हाथी। हाथी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गज, मतंग, कुंजर। हाथी के पर्यायवाची आप एक बार मेरे साथ बोलिए, गज, मतंग, कुंजर। यहाँ पे हाथी के पर्यायवाची भी हैं। अब हमने किसके? पहाड़, वृक्ष, हाथी। अब यहाँ पे आपने पहाड़ की पिक्चर भी देखी। पहाड़ के पर्यायवाची दोबारा से मेरे साथ बोलिए, पर्वत, गिरी, भूधर। वृक्ष के बोलिए, पेड़, तरु, पादप। अब यहाँ पे हाथी के मेरे साथ बोलिए, गज, मतंग, कुंजर। स्टूडेंट, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनको दोबारा से बोलेंगे। अब हम चलते हैं विलोम शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। जिन शब्दों से उल्टा अर्थ प्रकट होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से उल्टा, यानी कि उसका उल्टा अर्थ होता है, उसका अपोजिट होता है, उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इनका हमको उल्टा पढ़ना है। यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे इनका विलोम है, यानी कि ये उल्टा है। भला, भला का उल्टा क्या है? बुरा। वीर, कायर। सत्य, असत्य। निकट, दूर। प्रेम, घृणा। साधारण, असाधारण। मानवता, दानवता। अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान का उल्टा क्या है? अज्ञान। यहाँ पे है हार, जीत, जीवन, मरण। धूम, छाव। पवित्र, अपवित्र। सौभाग्य, दुर्भाग्य। मान, अपमान। मित्र, शत्रु। ऊपर, नीचे। नया, पुराना। राजा, रंग, दिन, रात। आवश्यक, अनावश्यक। ऊंचा, नीचा।
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण स्वर्ग नर्क उदय अस्त। स्टूडेंट ये आपके विलोम शब्द थे, एक बार आप इनको मेरे साथ रिवाइज करिए। भला बुरा तेज बोलिए, वीर कायर, सत्य असत्य निकट दूर, प्रेम घृणा, साधारण असाधारण, मानवता दानवता, ज्ञान अज्ञान, हार जीत, जीवन मरण, धूप छाव, पवित्र अपवित्र, सौभाग्य दुर्भाग्य, मान अपमान, मित्र शत्रु, ऊपर नीचे, नया पुराना, राजा रंग, दिन रात, आवश्यक अनावश्यक, ऊंचा नीचा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, स्वर्ग नर्क, उदय अस्त। ये हमारे विलोम शब्द यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब हमें गय, प्रत्येक के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रत्येक के आपको क्या करना है, बुक एक्सरसाइज में तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पे विलोम शब्द लिखिए, यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना कैसे है। आपको आपकी हिंदी टू की बुक में पेज नंबर 43 में ये कार्य करना है। अगर किसी के पास बुक नहीं है वो अपना ये कार्य हिंदी टू की नोटबुक में करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। रवि सूरज का है, रवि सूरज भानु, सूर्य का है रवि सूरज भानु, पानी का है जल नीर वारी, धरती का है धरा भूमि वसुधा, हवा का है पवन वायु समीर, हाथी गज मतंग कुंजर। और ये विलोम शब्द हैं। भला बुरा, मान अपमान, प्रेम नफरत, मित्र शत्रु, वीर कायर, जीवन मरण, मानवता दानवता, दिन रात, धूप छाया, निकट दूर, लाभ हानि, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। ये आपके क्लास वर्क है जो आपको आपकी हिंदी टू की बुक में करना है। पेज नंबर 43। स्टूडेंट आज आपका चैप्टर 15 पर्यायवाची तथा विलोम शब्द कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और मुझे लाइव क्लास में ये पर्यायवाची और विलोम शब्द आप सुनाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।